हेलो फ्रेंड्स, जीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे, आपने उन्हें देखा होगा। और यदि अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पर उनका लाभ ले सकें। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और PDF चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित विभिन्न लिंक और PDF मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें मैसेज द्वारा या कमेंट द्वारा अपनी डिमांड बताइए, हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि है हमारे इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान की सीरीज़ का अगला लेसन प्लान, यानी लेसन प्लान नंबर 2। अभी तक हमने सिर्फ इसका एक ही लेसन प्लान बनाया है। ये वीडियो खासकर बीएड वाले टीचर्स के लिए ही है, क्योंकि डीएलएड वाले टीचर्स के लिए तो प्राइमरी लेवल के लेसन प्लान होते हैं। ये हमारे हाई क्लासेस के लेसन प्लान हैं। ये हमारा 11th क्लास का लेसन प्लान है, जो कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का है। बहुत सारे लोग हमसे डिमांड करके बोल रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान बनाइए, तो हम उन्हीं के लिए ये लेकर आए हैं। सबसे पहले हम पाठ योजना का क्रमांक डालते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाएंगे, जिसमें कि हमको छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, समय, कालखंड डालना होता है। प्रकरण है हमारा आवश्यकताएँ। यदि आप चाहते हैं कि हम और भी 11, 12 के लेसन प्लान बनाएं तो हमें कमेंट करिए और सब्जेक्ट बताइए अपना। हम यदि बना पाए, हमारे पास समय हुआ, तो हम ज़रूर आपके लिए बनाएंगे। अभी हम बहुत सारे लेसन प्लान बना रहे हैं, साथ साथ कुछ लोग पूरी बुक की डिमांड कर देते हैं, तो उनका लेसन प्लान बनाना तो संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि आप अपना टॉपिक और उसकी डिटेल कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर उसका लेसन प्लान आपके लिए बनाएंगे। आप यदि चाहते हैं कि हम बीएड वालों के लिए हाई क्लासेस के लेसन प्लान बनाएं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उसका लेसन प्लान बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। आप ही की डिमांड पर ये वीडियो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पॉइंट पे डिस्कशन करना। अगला पॉइंट है, मतलब हमारा पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। हमारा विषय है अर्थव्यवस्था, तो उसी से संबंधित हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे कि विद्यार्थी के शब्द भंडार को विकसित करना, विद्यार्थियों में अर्थ स्पष्ट करने की शक्ति विकसित करना, छात्रों में भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट करना, विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है आवश्यकताएं, तो इसी से रिलेटेड हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि विद्यार्थियों के समक्ष आर्थिक आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करना, विद्यार्थियों में आवश्यकताओं की परिभाषाओं को स्पष्ट करना, छात्रों के समक्ष आवश्यकता को विस्तृत वर्णन करना, विद्यार्थियों में आवश्यकता की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पट, संकेतक आदि, ये हम सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चे, हमारे विद्यार्थी आवश्यकता से संबंध में पूर्व जानकारी रखते हैं। फिर आता है शिक्षण विधि, जिसमें हम व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला पॉइंट प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार कॉलम बनाएंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न, बच्चों जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ हम खाते और पीते सोते रहते हैं वह सब क्या है, वो क्या है, हमारा घर है। खाना, पानी और घर हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। ये हो गया हमारा प्रस्तावना प्रश्न। और इसी के बाद आते हैं हम अपने उद्देश्य कथन पे कि बच्चों आज हम आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि हम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और शैम्पट कार्य कॉलम बनाएंगे। पहले हम शिक्षण बिंदु हमारा है आवश्यकता का अर्थ, हम उनको आवश्यकता का अर्थ समझाएंगे, फिर विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम पर्यायवाची शब्द ब्लैकबोर्ड पर उन्हें बताएंगे। फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके बारे में हम बताएंगे। जब बच्चे क्या करेंगे, ध्यान
ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम जिसके अनुसार बता रहे हैं डेफिनेशन, उनका नाम हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और हम डेफिनेशन भी ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर हम उनसे बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि आवश्यकता के पर्यायवाची नाम बताइए, तो वो बताएंगे। आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, आंसर बताएंगे। वो हमको ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखना होता है और स्टूडेंट वर्क में भी। फिर अर्थशास्त्र की विशेषताएं, कि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम प्रमुख बिंदु ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। फिर आवश्यकताओं का वर्गीकरण, हम उसका चित्र भी बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, विद्यार्थी क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम उन्हें उसके वर्गीकरण में बताएंगे कि अनिवार्य आवश्यकता होती है, आरामदायक आवश्यकता होती है, विलासिता की आवश्यकताएँ होती हैं। फिर हम उनसे प्रश्न करेंगे कि आवश्यकताएँ असीमित होती हैं अथवा सीमित, तो बताएंगे असीमित। आवश्यकताओं की तीव्रता कैसे होती है, अलग अलग होती है, वो आंसर देंगे। ये हमें ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि आवश्यकताओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो बताएंगे तीन। उसके बाद हम देंगे उन्हें कक्षा कार्य, यानी कक्षा में कुछ कार्य करने के लिए देंगे। इसमें हम उन्हें पूछेंगे, लिखने के लिए देंगे कि आवश्यकता की विशेषता लिख, परिभाषा लिखिए, अर्थ बताइए आवश्यकताओं का और आवश्यकताओं की विशेषता लिखिए। ये हो गया हमारा कक्षा कार्य। इसमें हम उनको इंगेज कर देंगे और इसी दौरान हम उनसे पिछले दिन का होमवर्क भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है होमवर्क, यानी कि गृह कार्य। यहाँ पे हम उन्हें घर से करके लाने के लिए जो भी कार्य देंगे वो हम होमवर्क के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है टिप्पणी, यानी जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा, सुपरवाइज़र होगा, वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, उत्तम था या सुधार की आवश्यकता है, यानी कि गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और सजेशन। ये आपको आपके सुपरवाइज़र टिप्पणी द्वारा बताएंगे। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आप और भी टॉपिक को लेकर और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ अपने लेसन की डिटेल हमें सेंड कीजिए, उसकी लेसन की पिक हमें सेंड कीजिए, हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। अभी हमने 10 लेसन प्लस इकोनॉमिक्स के बना लिए हैं, हम एक एक करके रोज अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।